नूह विधानसभा की जनता ने चौधरी ताहिर हुसैन को बिठाया पलकों पर, कहा ऐतिहासिक होगी जीत। जनसंपर्क के दौरान गांव आलदू का चंदेणी रहना नूह शहर व पावपुर में हुआ ताहिर हुसैन का जोरदार स्वागत। चौधरी ताहिर हुसैन ने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव आलदू का चंदेणी इत्यादि गांव का दौरा किया और भरपूर समर्थन मिल रहा है। नूह की जनता भ्रष्टाचार व जुल्म के खिलाफ वोट कर देगी जवाब। कांग्रेसियों ने मेवात की भोली भाली जनता को खोखला कर दिया, अब नहीं होगा जुल्म, ये कहना है ताहिर हुसैन का। आज बुधवार को नूह विधानसभा से इनेलो बसपा के प्रत्याशी चौधरी ताहिर हुसैन का जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान गांव आलदू का चंदेणी रहना नूह शहर बेपावपुर में इतना जोरदार स्वागत किया गया कि गांव की सरदारी ने चौधरी ताहिर हुसैन को पलकों पर बैठाने का काम किया और गांव की सभी महिलाओं ने भी ताहिर हुसैन को दुआएं दी। चौधरी ताहिर हुसैन ने सभी ग्रामवासियों का शुक्रिया अदा धन्यवाद किया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को चौधरी ताहिर हुसैन के इस तरह कार्यक्रम हैं। नूह विधानसभा से इनेलो बसपा उम्मीदवार चौधरी ताहिर हुसैन 3 अक्टूबर के कार्यक्रम, बता दें बार रूम नूह 10 बजे बीपुर मोड़ से गांव अलावलपुर बाया देवला नगली रोड शो होगा, ये टाइम 12 बजे का है। बता दें कि 1 बजे अलावलपुर में जनसभा होगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सकून की बात हो, गर्व सकून की बात हो, गर्व पॉलिश की बात हो, मेरी माँ के लिए पीने के पानी की परेशानी रहती है, इन सब चीजों के हल करने की बात रहेगी। आपको बस अब 2 ही दिन बाकी है, यही जज्बा जुनून और जिम्मेदारी के साथ आप ऐसे ही लगे रहो और 5 तारीख को एक गोल चश्मा के बटन पर लगा दो। मेरा 5 साल के बाद हमारे